दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो हर क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, ज़रूरी भी है, क्योंकि फ्यूचर में जो प्रॉब्लम मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ उसका सामना हमें कभी ना कभी करना ही पड़ेगा। तो ऑब्वियसली अगर हमें एडवांस में उनका सोल्यूशन पता होगा, उन इश्यूज़ के बारे में पता होगा, तो हमें किसी भी किस्म की जो परेशानी है उसको फेस नहीं करना पड़ेगा। तो वीडियो समझ लें कि ये जो वीडियो है बैड न्यूज़ फॉर बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी, इसका सेकेंड पार्ट समझ लें। इसके अंदर आपने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछे थे KYC के रिलेटेड और डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्ट के ऊपर। क्या ये एक बैड न्यूज है? ये तो अच्छी न्यूज होनी चाहिए क्योंकि रेगुलेशंस हो रही है क्रिप्टो करेंसी में। तो ये क्वेश्चन एंड आंसर के बेस पे भी है, काफी ज्यादा इश्यूज को मैं डिस्कस भी करूंगा। पहले आपको थोड़ा सा रीकैप दे देता हूँ कि इस वीडियो में क्या बोला था, जो कि फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं इस वीडियो को वो भी हमारे साथ चल सकें। रीकैप दे देता हूँ आपको। इस वीडियो में ये डिस्कस किया गया था कि एक न्यूज आई थी कंसेंसस 2019 में, डिस्कस किया गया था उसके रिलेटेड एक आर्टिकल था कि FATF जो है सिक्योरिटी एजेंसी का अदारा है, वो सारी वर्ल्ड वाइड की जो एक्सचेंजेस है उस पर KYC, नो योर कस्टमर, KYC को इम्पोज करने जा रही है कि हर जो क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडर है उसको अपनी KYC अप्रूव करवानी पड़ेगी हर एक्सचेंज पर, ताकि फ्यूचर में ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा जा सके कि कितने फंड्स ट्रांसफर किए गए, कितने फंड रिसीव किए गए, सारा उसका रिकॉर्ड रखा जाए। जस्ट इन शॉर्ट के रेगुलेशंस की तरफ एक और स्टेप लिया जाए। तो क्या ये एक गुड न्यूज है, क्या ये एक बैड न्यूज है, इसका डिसेंट्रलाइजेशन के पे क्या अफेक्ट पड़ सकता है, सारा इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इसमें। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और साथ ही बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपको क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप टेलीग्राम चैनल पर इन होना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां पे आपको मार्केट की इंस्टेंट अपडेट्स भी दी जाती हैं, फ्री में बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, मैं कभी भी पर्सनल टेलीग्राम चैनल पर आपको मैसेज करने का नहीं बोलूंगा। अगर आपको यूट्यूब के कमेंट्स के अंदर कभी भी कोई भी पर्सनल टेलीग्राम या व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करने का बोलता है तो वो मैं नहीं हूँ, वो स्कैम है, चाहे लोगों सेम ही क्यों ना हो, तो उस पे आप कभी भी बिलीव ना करें। डायरेक्ट चलते हैं वीडियो पर। जो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली KYC के रिलेटेड हैं, KYC के प्रोसेस के रिलेटेड है। जिन्होंने ऑलरेडी KYC कर ली है, क्या उनको भी ज़रूरी है? इंडिया और पाकिस्तान में KYC अगर करते हैं कोई इशू तो नहीं होगा? तो KYC में बाइनेंस का स्पेशल लेवल 1 लेवल 2 की KYC करनी जरूरी है या नहीं है, और क्या ये गुड न्यूज है या नहीं है? तो सबसे पहले दो ये काफी ज्यादा कमेंट्स हैं, मैं सारे तो नहीं पढ़ सकता वरना वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन आप सबके इसमें जो आंसर क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे क्योंकि मैंने सबके क्वेश्चंस पढ़े हैं। एस ताज हैं जो वो कह रहे हैं कि डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई यू सेइंग बैड न्यूज, इट्स एक्चुअली गुड न्यूज, आई लिव इन USA, हियर आर सम व्हाट रेगुलेशन इन प्लेस एंड मोर गेटिंग रेगुलेट। रेगुलेट क्रिप्टो इज अ गुड न्यूज सो दैट यू डोंट कैच इजिली स्कैम विद दोस IEOs एंड ICOs। इसी तरह का एक और कमेंट भी है, यहाँ पे शुरू में था, ये हैं जी राम किशन साहू। सर, मेरे हिसाब से तो ये गुड न्यूज है क्योंकि रेगुलेशन भी तो जरूरी है ताकि हम फ्री माइंड से सेफ ट्रेड कर सकें। रेगुलेशंस जब तक डिसेंट्रलाइजेशन के साथ साथ चल रही हैं तब तक गुड हैं, ठीक है? जब इन दोनों का आपस में क्लैश होना शुरू हो जाएंगे ना, रेगुलेटरी बॉडीज का और डिसेंट्रलाइजेशन का आपस में क्लैश होना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब कि क्रिप्टो करेंसी की जो इंडस्ट्री है वो खतरे में है। अब क्रिप्टो करेंसी बनी क्यों थी? कि इसमें सारे के सारे ट्रांजेक्शन डिसेंट्रलाइज हों। जिनको नहीं पता डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है वो मैं बता देता हूँ। डिसेंट्रलाइज के आप अपने फंड्स के खुद ही मालिक हो, थर्ड पार्टी का इसमें कोई भी तलग नहीं है, या एक बंदा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है कि ना भेजने वाले को पता होता है कि ये किसने भेजा है, ना रिसीव करने वाले को। मीन कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। इसकी ऑपोजिट एग्जाम्पल सेंट्रलाइजेशन होता है, जो कि बैंक्स हैं बेस्ट एग्जाम्पल, जिनका डायरेक्ट कंट्रोल आपके जितने भी फंड्स हैं उनका कंट्रोल, गवर्नमेंट का आपके फंड्स पे कंट्रोल भी होता है, नजर भी होती है, ठीक है? तो थर्ड पार्टी गवर्नमेंट होती है या बैंक्स होता है आपके एसेट्स के बिटवीन में। तो क्रिप्टो करेंसी को बनाने का पर्पज ये था कि आप अपने फंड्स के खुद ही मालिक हो, कोई भी किसी किस्म की इंटरवेंशन उसके अंदर ना हो। अब ये रेगुलेशंस जो हैं,
ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि क्रिप्टो करेंसी हर मुल्क में रेगुलेट होनी चाहिए, हर मुल्क में, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल आ जाता है, भूटान आ जाता है, इनमें लीगल हो जानी चाहिए, ये हर कोई चाहता है। लेकिन अगर आप इसकी डेप्थ में जाओ इस न्यूज़ की, कि ये क्यों एक बैड न्यूज़ है, मेरी नज़र में ये एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ इस सेंस में कह सकते हैं कि रेगुलेशन होनी चाहिए, लेकिन अगर जिस वे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये क्यों बैड न्यूज़ है, वो ही मैं आपको इसमें डिस्कस कर देता हूँ पहले, फिर केवाईसी की तरफ आते हैं। देखें, बैड न्यूज़ डिसेंट्रलाइजेशन, केवाईसी को इम्पोज करना, दैट्स आ रियली गुड थिंग, लेकिन इसलिए केवाईसी की जाती है मोस्टली, अगर मैं आपको बताऊं कि भाई अगर कोई फ्रॉड करता है, स्कैम करता है, उसको ट्रैक किया जा सके, या इस पे कोई इलीगल एक्टिविटी होती है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, काफ़ी ज़्यादा बड़ी मकदार में इतने सारे BTC एक जगह पे दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो दैट्स अ रियली गुड थिंग कि वहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग को भी कंट्रोल किया जा सकता है और सिक्योरिटी को भी किया जा सकता है। अगर कोई फ्रॉड करता है तो पता होना चाहिए कि भाई ये किस नाम पे KYC थी, ताकि उसको ट्रैक किया जा सके उस बंदे को। तो इस सेंस में ये एक अच्छी न्यूज़ है, होनी चाहिए। लेकिन आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसका रिकॉर्ड रखना, ये बुरी बात है ना? KYC बुरी बात नहीं है, KYC होनी चाहिए, लेकिन हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना कि कितने पैसे यहाँ से जा रहे हैं, कितने पैसे आ रहे हैं, तो फिर बैंक में और क्रिप्टो करेंसी में कोई फर्क नहीं रह जाता, है ना? तो डिसेंट्रलाइजेशन कम्प्लीटली खत्म हो जाएगी, और जब डिसेंट्रलाइजेशन खत्म हो जाएगी तो बिग इन्वेस्टर्स क्यों आए थे, क्यों आना चाह रहे थे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, कि इसमें डिसेंट्रलाइजेशन है, वो जो बैंक के रूल, स्ट्रिक्ट रूल की इम्पोजिशन की वजह से तंग आ चुके हैं, या गवर्नमेंट्स की इंटरवेंशन की वजह से तंग आ चुके हैं, वो छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो बिटकॉइन की तरफ इसलिए अट्रैक्ट हुए थे। अगर इसमें भी सिर्फ मीन के आ गया, इंटरवेंशन आ गई, मदाखलत आ गई गवर्नमेंट्स की, तो फिर इसका पर्पस फोर्थ हो जाएगा, तो बैंक्स में और इसमें कोई फर्क नहीं रह जाता, ठीक है? तो इस सेंस में ये एक बैड न्यूज है। हाँ, अगर इसका सलूशन ये हो सकता है, ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट हैं वो बेटर जानते हैं, मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, कि KYC रखी जाए, होना ज़रूरी है, नो योर कस्टमर, हर एक को अपनी वेरिफिकेशन करनी चाहिए, लेकिन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड की एक लिमिट होनी चाहिए। बेस्ट एग्जांपल मैं आपको केस स्टडी देता हूँ ईबे की, अगर आप ईबे पे सेलर या बाय करते हैं या अमेजोन पे करते हैं, ईबे की मैं आपको इसलिए दूंगा, मुझे एक्सपीरियंस भी है क्योंकि मैं ईबे से काफ़ी अरसे से चीज़ें बाइंग कर रहा हूँ, उसमें ट्रांजेक्शन्स का जो है ना वो रिकॉर्ड रखा जाता है, और इधर लिमिट का रिकॉर्ड रखा जाता है। वहां पे भी आप अपना सारा वो बैंक के साथ करते हो, मीन के उसको अटैच करते हो, जिससे पता चल जाता है कि कहाँ से पेमेंट हुई थी, राइट? टू सम एक्सटेंट अगर हम जो ईबे है उसकी एग्जांपल लें, उसमें ये होता है कि अगर 200 ट्रांजेक्शन से, ये मैं यूके की बात कर रहा हूँ, हो सकता है इंडिया में और पाकिस्तान में या यूएसए में अलग हो, 200 ट्रांजेक्शन से बढ़ जाए तो वो कैटेगरी में आता है बिजनेस में, तो आपको एज ए बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ती है, ताकि जो गवर्नमेंट्स हैं वो आपसे टैक्स ले सकें, क्योंकि वो गवर्नमेंट वो आ जाता है। अगर आप वैसे ही हाउस होल्ड की चीजें सेल कर रहे हो तो वो 10, 12, 20, 25, वो इस तरह मीन के वो 200 से नीचे कम ट्रांजेक्शन से कम हो तो वो बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आते। ये कंसीडर किया जाता है कि एक साल में, ये एक साल के ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ, कि ये कंसिडर किया जाता है कि इतनी हाउस होल्ड की चीजें बेची जा रही हैं, अगर 200 से कम हो, अगर 200 ट्रांजेक्शन से ज्यादा हो तो इसका मतलब वो बिजनेस की कैटेगरी में आता है, तब उस पर जो लॉ भी इन्फोर्समेंट होती है और टैक्स की इन्फोर्समेंट भी होती है। उधर से 10,000 पर ईयर में अगर कोई कमाता है यूके के मुताबिक, यूके के लॉ के मुताबिक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि ये मुझसे बेटर जो टैक्स पे वो है, जो टैक्स को बनाते हैं, मैं क्या उसका नाम मुझे भूल गया, अकाउंटेंट्स, सॉरी, जो अकाउंटेंट्स हैं उनको बेटर पता होता है। 10,000 पे इससे अगर ऊपर आपकी इनकम चली जाती है उस पर टैक्स देना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हुकूमत को ये 10,000 पाउंड भी नहीं पता होने चाहिए, खैर ये एक अनदर स्टोरी है। मेन के इस तरह की कोई KYC पे इम्पोजिशन कर देनी चाहिए कि इससे अगर ट्रांजेक्शन बढ़ जाती हैं इन आउट की, तो वहां पे आप ट्रैक कर सकते हो कि मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही,
राइट अगर इतनी अमाउंट की, अब ऐसा नहीं है कि 200 से आप एक ही एक ट्रांजैक्शन में 15 20 25 BTC कर दो के भी 200 या 20 25 जितनी भी रखी हुई है एक्सचेंजेस ने, लिमिट रखी हुई है 1 साल की के उससे ऊपर लॉक इन्फोर्समेंट होगी, तो इधर से आप 2 ट्रांजेक्शन में 50 BTC मूव कर लो, 100 BTC मूव कर लो, नहीं इधर से जो भी लिमिट पहले पूरी हो जाए उस पे KYC के पे जाके आप ट्रैक करो कि भाई ये ट्रांजेक्शन बढ़ गई है तो क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही, इस सेंस में ये अच्छी बात है। लेकिन हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना तो वो उसमें डिसेंट्रलाइजेशन खतरे में पड़ जाएगी, तो बड़े इन्वेस्टर परहैप्स के यहाँ पे फिर ना आ पाए। सही। सेकंड जो है वो ये है कि KYC के रिलेटेड, KYC का लेवल 1 और लेवल 2 है। देखें, एक तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि क्या हमने पहले KYC कर ली है तो क्या हमें दोबारा से KYC करना जरूरी है? नो, जिस एक्सचेंज पे आपने अपनी KYC, अपनी वेरिफिकेशन, आईडी वेरिफिकेशन कर लिया उस पे आपको नहीं करने की जरूरत है, राइट? उसको आप उसमें आपको दोबारा से नहीं करना है, वेरीफाई नहीं करना है अपने आपको, ठीक है? और दूसरा, जिन्होंने नहीं किया उनको करवा लेना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में कभी ना कभी आपको वेरिफिकेशन करवानी ही पड़ेगी, इट्स मस्ट। मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर के बाद आपको करवानी ही पड़ेगी। जब अचानक से बर्डन आएगा तो फिर ऑब्वियसली वेरिफिकेशन प्रोसेस भी लॉन्ग हो जाएगा, परहैप्स अकाउंट भी ब्लॉक कर दें वो वक्ती तौर पे, तो ऑब्वियसली फिर आपको एडवांस में करवा लेनी चाहिए ताकि फ्यूचर में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। लेवल 2 के ऊपर के आप दिन में 2 BTC करवा सकते हो, अगर आप इससे ज्यादा करवाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली फिर आपको जैसे कि कहा जाता है कि IDs वगैरह देनी पड़ती है, आधार कार्ड देना पड़ता है आपको या वोटर आईडी देनी पड़ती है, ठीक है? इंडिया की बात करूँ, पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा या पासपोर्ट अपलोड करना पड़ेगा, डजंट मैटर के वो उर्दू में है या इंग्लिश में है, राइट? पासपोर्ट है तो वो बेटर है क्योंकि पासपोर्ट हमेशा एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी होता है, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती है। और आपको अगर मैं दूसरी सेंस में बात करूं बिट्रेक्स की, बिटेक्स के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया कि बिटेक्स ने तो भाई पहले ही करवा ली थी तो अभी उस पे हम दोबारा करवाएं क्या? तो मैं एक एक्सचेंज की तो बात नहीं की है, मैंने तो एग्जांपल्स दी हैं 3 4 जो फेमस एक्सचेंजेस हैं। अगर आपने पहले कर ली है तो आप दोबारा क्यों करोगे? बिटेक्स ने अगर कर लिया दैट्स रियली गुड कि आपने वहाँ पे कर लिया। बहुत सारे लोग हैं जो अभी बिटेक्स पे नहीं है, अगर वो दोबारा से बिटेक्स पे फ्यूचर में अकाउंट बनाते हैं तो ये उनके लिए भी वैलिड है कि भाई वहाँ पे KYC करवा लें। अब उनका एडवांस में तो KYC अप्रूव नहीं हो सकता ना, तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन को अगर मैं करूं बैड न्यूज और गुड न्यूज के लिहाज से, तो डिसेंट्रलाइजेशन और रेगुलेशन को साथ साथ में चलना चाहिए, आपस में क्लैश नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया में एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई वहां पे तो अभी लीगल नहीं है तो अगर हमें KYC करवाते हैं क्या फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम हो सकती है? हो सकती है, मैं आपको ये बता देता हूँ, हो सकती है। लेकिन ये कि कम चांसेस हैं, ये एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है, इंटरनेशनल एक्सचेंज है जिसका जो रिकॉर्ड है वो इंटरनेशनल लेवल पे ही है। अगर आप छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हो, 1 2 BTC, 5 10 BTC से ट्रेड कर रहे हो, आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई प्रॉब्लम है। हाँ, अगर आप बड़ी मकदार जो मनी लॉन्ड्रिंग में आ जाता है कि जिसका रिकॉर्ड रखना जरूरी है, ठीक है, ये आपके एसेट्स इतने बढ़ जाते हैं, तो फिर अगर कोई इंक्वायरी होती है तो फिर वो ऑब्वियसली आपको बताना चाहिए, ऑब्वियसली आपको टैक्स पेयर होना चाहिए। सेकंड, इंडिया पाकिस्तान में आज नहीं कल 1 साल या 2 साल के अंदर ये रेगुलेट हो जाएंगी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसमें रेगुलेशन नहीं होंगी, राइट? यू आर अर्ली बर्ड्स, स्टिक विद योर पॉइंट। आप अभी ट्रेड कर रहे हो, कल के आप बड़े इन्वेस्टर होगे, कल आप थोड़ा सा टैक्स भी दे दोगे, टेंशन की कोई बात नहीं। टैक्स वैसे भी देना बेटर होता है, गवर्नमेंट्स में हमारी इसलिए तरक्की करती हैं, जब हम टैक्स नहीं देंगे तो गवर्नमेंट्स कैसे चलेंगे, ठीक है? इसके अलावा अगर मोस्टली तो मैंने वैसे कर दिया है कवर, कुछ और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। राहुल रक्षित हैं, फेक आईडी से भी क्या अप्रूव होता है? इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम होगा क्या? 2 नंबर काम भाई मैंने कभी किए नहीं है, मुझे पता नहीं है कि फेक आईडी से होता है कि नहीं होता है, करनी नहीं चाहिए वैसे, प्रॉब्लम हो सकती है। कल अपनी आईडी से आप करें क्या प्रॉब्लम है, अगर आप किसी और की आईडी क्यों यूज करनी है या फेक आईडी से क्यों करना है, ठीक है? इसके अलावा हार्डवेयर वैलेट पर क्या असर होगा, ऑलरेडी KYC डन इन एक्सचेंजेस? हार्डवेयर वैलेट्स आई डोंट थिंक सो, इस पे ये मुझे नहीं लगता कि ये इम्पोज किया जा सकता है इसको हार्डवेयर वैलेट्स पे, क्योंकि वो प्राइवेट और डिसेंट्रलाइज है कम्प्लीटली, वहां पे कोई कैसे ट्रैक करे कि इसके पास वो हार्डवेयर वैलेट है, राइट? लेकिन आगे क्या वो साइंटिस्ट बेटर जानते हैं कि वो कैसे करेंगे। दीपक शर्मा ऑनलाइन मनी है, इनका पॉइंट काफी अच्छा था। हेलो सर, होपफुली ऑल गुड, समझ नहीं आ रहा इस गुड न्यूज़ सॉरी
समझ में नहीं आ रहा कि गुड न्यूज का बैड न्यूज, रेगुलेशंस आनी चाहिए, बट फिर ये डिसेंट्रलाइजेशन किस वे में रहेगी क्रिप्टो करेंसीज? इसमें तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना ही नहीं चाहिए, बट ये इस दिस स्टेप इज गोइंग टू बी टेकन जस्ट बिकॉज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. टैक्सेशन इज गुड ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट इंडिया एंड पाकिस्तान हैज ऑलरेडी बैन टू डील विद इन क्रिप्टो, देन देर इज नो राइट टू टेक टैक्स. आई होप यू विल एग्री विद दिस पॉइंट. सो ओवरऑल कंक्लूजन इज जस्ट कम्प्लेक्स. एग्जैक्टली कम्प्लेक्स हो गया. मैं जब ये वीडियो बना रहा था, मुझे खुद भी नहीं पता था कि इसमें इतनी कम्प्लेक्सिसिटी आएगी, आपके इतने ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे इसमें, इसलिए मुझे इसका सेकंड पार्ट बनाना पड़ा. थर्ड पार्ट भी बनाऊंगा मैं, जिसमें आपको बताऊंगा कौन कौन से वैलेट ज्यादा सिक्योर ना, कि जिस पे आप लेके जा सकते हो. आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ ऑल एशियन कंट्रीज शुड टेक मोर टाइम टू थिंक अबाउट इट एंड गिव अस बेटर वे टू डील. लाइक रशिया गेव ए स्टेटमेंट दैट वी नीड सम मोर टाइम टू डिक्लेयर रेगुलेशन. सबसे पहले तो दीपक भाई को ये कहूंगा कि आप स्टडी करते हो, मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई. देखिए कितना अपडेटेड नॉलेज है, जब ये आप कमेंट्स करते हो जिसमें एक अपडेट नॉलेज भी साथ में होता है. मैं भी समटाइम आपसे बड़े लोग आपसे कुछ सीखता हूँ. जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हो तो मैं इसके बारे में सर्च करता हूँ, मैं सीखता हूँ. जब आप मुझे कुछ बताते हो मुझे पता चल जाता है. जैसे रशिया ने टाइम लिया है रेगुलेशन करने के लिए, राइट? जैसे टैक्स तो लेना ही नहीं चाहिए अगर डिक्लेयर नहीं किया लीगल पाकिस्तान और इंडिया में. अच्छी बात है, ऐसे पॉइंट डिस्कस किया करें. इसी तरह से हम ऐसे आपस में डिबेट करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? मैं भी सीखने के मरहले में हूँ, आप भी सीखने की स्टेज पे हैं, तो दोनों आपस में अगर करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, हमारी कम्युनिटी आगे बढ़ेगी. वैलेट्स के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से वैलेट हैं. एक्सचेंजेस पे सिर्फ उतना ही फंड्स रखा करें जितनी आप ट्रेड करनी है, ताकि अगर केवाईसी के नेक्स्ट आ भी जाती है तो ऐसा ना हो कि आप कभी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एम ही फंसे हों, है ना, या कभी टैक्स इवेशन के मामले में, टैक्स मारने के मामले में ऐसे ही फंसे हों और आपकी वो इंटेंशन ना हो, या समटाइम हमें नहीं पता होता कि गवर्नमेंट्स के रूल एंड रेगुलेशंस क्या हैं, है ना. हर कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, हमें नहीं पता होता है और हम अनजाने में गलती कर बैठते हैं, हमें प्रॉब्लम हो जाती है. तो बेटर है कि अपने फंड्स हर एक्सचेंज पे थोड़े 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 रखें. आप प्राइवेट वैलेट्स को यूज़ कर सकते हैं. तो बाकी अगर आपको लगता है कि कोई आपका क्वेश्चन रह गया है तो आप मुझे बताइएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके, ताकि अगर मुझे लगा और भी एलेबोरेट करना पड़ेगा तो आपको कर सकूँ. वीडियो को अगर लाइक एंड शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें. अपना ख्याल रखिएगा. हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर.